है बकरीद को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। बड़ी ईदगाह में 7:30 बजे नमाज होनी है। सलीम कॉलेज चौराहा है जहां अंदर बकरों की मंडी लगी हुई है। जैसा कानपुर मुस्लिम शेड के ऑफिसर्स ने प्लान आउट किया था कि रोड पे किसी प्रकार का कोई भी जो जाम है वो नहीं रहेगा, लोग अपने अपने बकरों को अंदर की तरफ भेजेंगे, रोड बिल्कुल साफ रहेगा। प्रशासन के तमाम लोग भी हैं जो लोगों से व्यवस्था बनाने के लिए अपील कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि लोग व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। वही पुलिस सहायता केंद्र भी बना हुआ है और अंदर की तरफ जो व्यवस्था के हिसाब से जो बकरे मिल रहे हैं, लोग अपने अपने जानवरों को अंदर ग्राउंड में जाकर बकरे खरीद रहे हैं और रोड पर किसी को भी बकरे बेचने की परमिशन नहीं है। लगातार सीओ सिरसा माऊ और एसएचओ चमनगंज गश्त कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग रोड पर बकरे न बेचे बल्कि बकरे खरीदने के लिए हलीम ग्राउंड में जाए। लोग अपने अपने बजट के हिसाब से कुर्बानी के लिए बकरे खरीद रहे हैं। 1,10,000 रुपए के हैं ये। 80 किलो का एक बकरा है जिनका ये इसके मालिक हैं, जिन्होंने इसको 2 साल तक पाला है। दोनों जोड़ी हैं जो 1,10,000 रुपए की इनकी मांग है और 18 महीने पाला है, 2 दांत का बकरा है, 62,000 रुपए मांग रहे हैं इसके। ये एक बकरे के 62,000 जी, जोड़ी के 1,10,000 मांग रहे हैं। कोई लेना चाहेगा तो कितने तक का दे देंगे? इसका हमारा टारगेट यही 80-85 हज़ार तक हम इसको दे देंगे। रुपया मांग रहे विकास भाई, 42,000 रुपए का ये बकरा है।